नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी, जनता की आवाज। बहुजनों ने एमएलसी उम्मीदवार विद्यानंद राम को बनाया। दिनांक 30 जनवरी 2022 को मोतिहारी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के प्रांगण में बहुजन समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एमएलसी उम्मीदवार चयन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्वी चंपारण के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन 2022 में मानव अधिकार कार्यकर्ता विद्यानंद राम को बनाया गया। वहीं बहुजन समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित मथुरा राम, पारसनाथ अंबेडकर, विनय पासवान, ठाकुर प्रसाद कुशवाहा, संतोष मोहन देव, जगदीश राम, चंद्रकिशोर पाल, राजन कुमार अंबेडकर, किरण राम, रामजी बौद्ध, राम जन्म राम, विक्रम राठौर, धर्मेंद्र कुमार राम, दिनेश पासवान, चंद्र यादव, नसीम आलम आदि लोग उपस्थित रहे। इसलिए कोई पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए हमने किसी पार्टी से ट्राई नहीं की। तो समाज को आप क्या देना चाहते हैं? हम समाज को ये देना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये दलित समाज है, बहुजन समाज है, इसको आज भी सम्मान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इनको राजनीति में सम्मान मिले। हमने और उनके जो अधिकार हैं, खास तौर पे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे अब देखिए आज ही ऐसी बातें सुनने में हमको आ रही है कि उनके वोट को खरीदा जा रहा है। जब जनप्रतिनिधि के वोट को ही खरीदा जाएगा तो जनप्रतिनिधि गुलाम हो जाएंगे। इनको गुलाम रखना ये पूंजीवादी मानसिकता के लोगों का एक उद्देश्य बन गया है, एक तरह का ही परिपाटी बन गई है। इस परिपाटी को हम तोड़ना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि रहे, किसी का गुलाम नहीं हो। तो वोटरों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? वोटरों के लिए हम कहना ये चाहेंगे कि हमारे जो वोटर बहुजन समाज के हैं, उनको ये पहले समझना पड़ेगा। बहुत सारे वोटर तो ये नहीं समझते हैं कि वोट का मतलब पावर क्या है, मूल्य क्या है। तो हम पहले तमाम बहुजन समाज के तमाम जनप्रतिनिधियों से, जो स्थानीय निकायों के हैं, नगर निकायों के हैं, और तमाम बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधियों से जो इन निकायों से चुनाव जीते हैं, पहले उनसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने वोट के वैल्यू को समझिए। आप अपने वोट को अगर कोई पैसा से खरीदना चाह रहा है तो उसको आप उसका पैसा वापस कीजिए। वे आपका वोट नहीं, आपको पैसा दे करके आपको सत्ता से वंचित करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि विधान परिषद में ये जो बहुजन समाज का लोग है उसका प्रतिनिधित्व हो। दूसरा ये कि जब ये चुनाव जीत जाते हैं जनप्रतिनिधियों के ओर से, तो उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि जो एमएलसी जीत के जाते हैं, जो अपने वोटर को पहचानते भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको वोटर पहचानता नहीं है। तो कम से कम ये हम करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि है, उनके जो अधिकार हैं, जो अधिनियम में उनके जो अधिकार दिए गए हैं, सबसे पहले हम उस अधिकार को दिलाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए चाहे हमें विधान परिषद में लड़ाई लड़नी हो या सड़क पर लड़ाई लड़नी हो, ये हम कह सकते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम जब सामाजिक कार्य करता है, मानव अधिकार के क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो हमारा मोबाइल 24 घंटा